हिंदुओं का त्योहार है दिवाली। दिवाली का त्योहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, उन्हें पूरे साल सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दिवाली यानी रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियाँ, साफ सफाई, रंगोली और दीयों का त्योहार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस खूबसूरत त्योहार को क्यों मनाते हैं? कभी सोचा है कि इस पावन पर्व की शुरुआत कब हुई? तो चलिए, उन पुरानी कहानियों के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनना होगा। दिवाली से संबंधित एक कथा यह है कि समुन्द्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि का अवतार लिया था। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। ये भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। एक और अन्य कथा यह है कि हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण में भी बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध करके अपनी पत्नी सीता के साथ अयोध्या वापिस लौटे, तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी थी। भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर लोगों ने दीपमाला करके दीपावली मनाई थी। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दीपावली का यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया और हर वर्ष यह त्योहार दीपावली के रूप में मनाया जाता है। एक और अन्य कथा, मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह जी सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। जब गुरु को कैद से आजाद किया जाने लगा तो गुरु हरगोविंद सिंह जी के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी, इसलिए इस त्योहार को सिख बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। खैर, ये तो आपने जान ही लिया है कि उस समय में दिवाली मनाने के क्या क्या कारण थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के समय की और पुराने समय की दिवाली में क्या फर्क था? तो चलिए ये भी जानते हैं। पुराने समय में दिवाली बेहद सुकून वाली होती थी। तब ना तो पटाखे जलाए जाते थे, ना ही नकली मिठाइयाँ होती थी। तब लोग घर में ही मिठाइयाँ तैयार करते थे और मिट्टी के दिए जलाते थे। पर आज कलयुग के समय में दिवाली का पवित्र त्योहार एक तरह मानो धंधा ही बन गया हो। मिठाई के नाम पर लोगों को जहर परोसा जा रहा है। पटाखों से ध्वनि व वायु प्रदूषण इतनी हो रही है कि लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। जहां परिवार समेत पूजा में बच्चे बैठते थे और आरती करते थे, वहीं बच्चे आज मोबाइल आदि में और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में व्यस्त हो गए हैं और अपने धर्म संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। पहले लोग एक दूसरे को दिवाली के त्यौहार पर मिलते जुलते थे, मिठाइयाँ बांटते थे और हंसते खेलते थे और एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते थे। वहीं आज घर घर की अपनी दिवाली हो गई है। जमाने ने मानो सब कुछ समय के साथ बदल के रख दिया हो। तो आपको कौन सी दिवाली पसंद थी, पुरानी या कलयुग की दिवाली? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।